सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी लेब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। काफी लंबे समय बाद में ये वैकेंसी करवाई जा रही है। लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2018 में करवाई गई थी और अब जाकर 2022 में, 4 साल बाद ये वैकेंसी होने जा रही है। इसमें पदों की संख्या की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 4061 रहने की संभावना है। अभी दोस्तों, ये काफी पहले का कैलकुलेशन है, तो मुझे लगता है कि पदों में वृद्धि इसमें की जाएगी। एग्जाम डेट की दोस्तों बात करें तो 4 जून 2022 को इसका एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो सेशन में मैं आपको डिटेल्स से इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, एज लिमिट क्या रखी जाती है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है। सबसे पहले मैं यहां पर आपको इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12th पास रखी जाएगी। 12th में आपके साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर 12th आपने साइंस से पास किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहां पर उन लोगों को भी एक मौका मिल जाता है जो अभी 12वीं क्लास में है, जिनकी उम्र 18 वर्ष होने ही वाली है। एज लिमिट के बारे में अभी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। यहां पर देखिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो यहां पर मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, यानी दोनों ही कैटेगरी इसके लिए इलिजिबल है, और चाहे वो कहीं से हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदन कर पाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो जो राजस्थान से बाहर के हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो इसमें 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा रखी जाती है। कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है, अधिकतम 40 वर्ष। यहां पर जो एज का कैलकुलेशन है वो दोस्तों 1 जनवरी 2023 से होने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों, जो लोग अभी 8% 12th क्लास में है, जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। शर्त यह है कि इसकी जो मुख्य परीक्षा है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी आपका 12th पास हो जाना जरूरी है। हाँ, जिनकी उम्र अभी 17 प्लस है, 18 साल नहीं हुई है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2023 तक उनकी भी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों आगे बात करें कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो यहां पर देखिए मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। इसमें पार्ट वन जो होता है, पार्ट ए जो होता है, उसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल रहता है। और पार्ट बी में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं। जो पार्ट ए होता है उसमें वो 100 मार्क्स का रहेगा, और पार्ट बी जो होता है वो 200 मार्क्स का इसमें रहता है। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाता है आपको। यहां पर दोस्तों एक बात आपको समझ लेना है कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, और सभी क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज टाइप में पूछे जाएंगे, यानी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। अगर बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो 40% मार्क्स कम से कम आपका आपके पास होने जरूरी है इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इससे काम चलता नहीं है, क्योंकि कट ऑफ काफी अच्छी रहती है। कट ऑफ को लेकर और लास्ट टाइम इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो सेशन में बताऊंगा। इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक राजस्थान नौकरी ज्ञान के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया, वो जरूर ज्वाइन कर ले। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जिन लोगों ने अभी तक टुडे टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों बात करें इसके पाठ्यक्रम की, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड का होगा। बाकी इसमें जो पार्ट ए है उसमें देखिए राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, राजस्थान में प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक रचनाएं, फिर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, फिर राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां और हस्तशिल्प, फिर राजस्थान की भाषा, साहित्य कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल की बात करें तो स्थिति और विस्तार पूछा जाएगा राजस्थान का, राजस्थान के जितने भी भौतिक विभाग उनके बारे में सवाल आएंगे, अपवाद अंतर, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, पशुधन,
बहुउद्देश्य परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदा, ये आपका सिलेबस रहेगा दोस्तों पार्ट ए का। और पार्ट ए आपका रहेगा 100 मार्क्स का, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो लोग लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो इस महीने के लास्ट तक आने की पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कि मार्च में इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों जो भी इसके बारे में नई अपडेट होगी मैं सबसे पहले आप लोगों तक लेकर आऊंगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, डेफिनेटली आपकी इससे हेल्प होने वाली है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।